और चलिए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। दुमका और दिल्ली के बाद में बागपत में हिंदू बेटी को धमकी मिली है। सिरफिरे मुस्लिम युवक ने सर तन से जुदा की धमकी दी है। बेटी के साथ में ना भेजने पर परिवार को मारने की भी धमकी दी गई। वहीं इस पर बीजेपी बोली कि लव जिहाद गैंग पर लगाम कसना जरूरी हो गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको एक बता रहे हैं, जहां दुमका और दिल्ली के बाद बागपत में भी एक हिंदू बेटी को धमकी मिली है और सिरफिरे मुस्लिम युवक ने सर तन से जुदा करने की धमकी देते हुए कहा है कि बेटी को अगर परिवार वालों ने नहीं भेजा तो उसका भी हश्र वही होगा जिस तरीके से बागपत या फिर दिल्ली में बीते दिनों, माफ कीजिए, दुमका या फिर दिल्ली में बीते दिनों जो हुआ। और इसको लेकर अब बीजेपी भी है साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही है कि लव जिहाद गैंग पर लगाम लगाना जरूरी है। तो एक के बाद एक लगातार बीते कुछ दिनों में कई ऐसी घटनाएं देखने को मिली है लव जिहाद की, जिसको लेकर देश में आक्रोश है और बीजेपी अब इस पर लगाम लगाने की बात करती हुई नजर आ रही है। शहर शहर बेटियों पर जिहादी कहर। सनातन से हेट, हिंदू बेटियां हैं टारगेट। देश की बेटियों से सीक्रेट साजिश। गली गली कितने शाहरुख अमानत अली। इन तीन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। पहली तस्वीर दुमका की है, जहां अंकिता नाम की एक हिंदू लड़की को एक मुस्लिम युवक ने एक तरफा प्यार में जिंदा जला दिया। दूसरी तस्वीर दिल्ली के संगम विहार की है, जहां एक युवक ने हिंदू युवती को एक तरफा प्यार में गोली मार दी। जबकि तीसरी तस्वीर बागपत की है, जहां एक हिंदू लड़की और उसके परिवार को एक तरफा प्यार के चलते सर तन से जुदा करने की धमकी मिली है। ये तीन तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि देश की हिंदू बेटियों के खिलाफ किस तरह की साजिश हो रही है। शहर शहर बेटियों पर जिहादी कहर टूट रहा है। किस तरह से हिंदू बेटियां सनातन विरोधियों के निशाने पर हैं। अब लव जिहाद, या तो तुम मुझे शादी करो या तुम्हें जान से मार दूंगा। जो घटना अंकिता की हुई, वही घटना दिल्ली में अली ने की। अली के पिताजी रो रो के कह रहे हैं। ये देश के माहौल को कहीं सर तन से जुदा, कहीं लव जिहाद, कहीं शरिया कानून के तहत बिहार में शुक्रवार को छुट्टी, यानी पूरे देश के अंदर एक माहौल बिगाड़ने की पूरी साजिश चल रही। दुमका में अंकिता को शाहरुख ने इसलिए जिंदा जला दिया क्योंकि उसने उसके एक तरफा प्यार को ठुकरा दिया था। दिल्ली के संगम विहार में अमानत अली ने एक युवती को इसलिए गोली मार दी क्योंकि उसने अमानत से दोस्ती बढ़ाने से इनकार कर दिया था। अब बागपत में एक सिरफिरे मुस्लिम युवक ने एक हिंदू लड़की के माता पिता को ये कहकर सर तन से जुदा करने की धमकी दी है कि वो अपनी बच्ची को उसके पास भेज दें। पीड़ित लड़की के पिता के मुताबिक आरोपी युवक ने उनकी बेटी के अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी दी है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस के अधिकारी इस मामले पर अभी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। तो बोला मैं उसके फोटो लगाऊंगा और उस पे अगर आपको लड़के को नुकसान पहुंचा सकता हूँ, वहाँ आपके कल तक लड़की आ जानी चाहिए, नहीं तो फिर देख लेना, आपके पति को भी सर अलग कर दूंगा मैं और आपके लड़के को भी वो करूँगा मैं। देश भर में लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। आए दिन मुस्लिम युवक हिंदू लड़कियों को अपना निशाना बना रहे हैं। देश में लव जिहाद के जरिए धर्म परिवर्तन का काम बड़े पैमाने पर हो रहा है, जिसके तहत भोली भाली हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर मुस्लिम बना दिया जा रहा है। जब लड़कियां प्रेम जाल में नहीं फंसती हैं, तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो ये जो घटनाएं पूरे देश में घट रही हैं, लगातार घट रही हैं, जिसमें अपना धर्म छुपाकर धोखे से या गुंडई से उस लड़की को अगवा करने का प्रयत्न होता है, मजबूर करने का प्रयत्न होता है, यह सिद्ध करता है कि विश्व हिंदू परिषद, जिसको सांगठनिक लव जिहाद कहती है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहती है, जो अलग अलग केसेस नहीं है, इस तरह की शिक्षा, इस तरह की प्रेरणा उनको जिहादी तत्व देते हैं। और इसलिए इससे निपटने का समय आ गया।
हिंदू लड़की या गैर मुस्लिम लड़कियों को अपने नकली प्यार में फंसाकर धर्मांतरित करना ही इस जिहाद का मूल मकसद है। इस साजिश के जरिए हिंदू महिलाओं को मुस्लिमों की आबादी बढ़ाने के उपयोग के लिए मजबूर किया जाता है। इनकार करने पर उनका अंजाम दुमका की अंकिता और दिल्ली की नैना जैसा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।